एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया वीडियो। सो जैसे कि आप पीछे की तरफ देख सकते हो, ZACV ऑफ रोडिंग, नदी और प्यार। सो आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार अगर आपके पास ZACV है तो MG ZACV उतनी केपेबल है कि आप इसे हल्के फुल्के ऑफ रोड में भी ले जा सकते हो। सेम टाइम पर जो आपकी नीचे की तरफ बैटरी पैक है, बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि क्या ये बैटरी पैक वाटरप्रूफ है और किस लेवल का वाटरप्रूफ है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वही सारे के सारे पर्सपेक्टिव जो है वो जानेंगे, थोड़ा सा ऑफ रोड में चलाएंगे और उसके साथ में आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी ZACV को लेकर कहीं पर भी घूमने जा सकते हो। सो MG ZACV के अंदर जो नीचे की तरफ बैटरी पैक है वो जस्ट पूरा का पूरा जो फ्लोर है उसके ऊपर लगा हुआ आता है। अभी तक की कैपेबिलिटी की मैं बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस कार को चला के, क्योंकि एक तो पहाड़ों के अंदर जितना भी इंक्लाइन और डिक्लाइन वाला पार्ट है उसके अंदर जो मुझे पावर चाहिए ये गाड़ी मुझे डायरेक्टली दे रही, मुझे कोई गियर 1, 2, 3, 4 चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सेम टाइम पर क्योंकि आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है तो उसकी वजह से जब भी आप ओवरटेक करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होता है। जब भी मैं कंबशन इंजन चला रहा होता था तो हरदम ही होता था कि एक गियर चेंज करो, एक उतारो चढ़ाओ, क्या मालूम ओवरटेक करेगी या नहीं करेगी, टर्बो किक इन करेगा या नहीं करेगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इसमें वो सारी की सारी चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि अगला ब्लॉग हम कौन सा बनाएं। पीछे से आ रही है बुलेट की धुंधार आवाज़, पता नहीं भाई साहब ऐसी कौन सी भाई साहब बुलेट लेकर चल रहे हैं, तो आप पीछे से सुन सकते हो। सो ये वाली जो जगह है यहाँ पर अभी हम एक्सपीरियंस करेंगे सारा का सारा ऑफ रोड ट्रेल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में MG ZACV जो है वो आराम से इस नदी वाले पूरे के पूरे जोन में बाहर निकल रही है। साथ में सामने की तरफ जब आप देखोगे ना तो आपको ऑफ रोड ट्रेल दिख रहा होगा, मगर फिर भी इस कार को ड्राइव करने में कोई भी मुझको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो बैटरी है वो IP69 रेटिंग वाटरप्रूफ है, जिसकी वजह से जब आप इसको लेकर चल रहे होते हो तो आप बिल्कुल भी ना उस जोन में नहीं आते कि अरे यार मेरी बैटरी को कुछ हो जाएगा। किसी दिन अगर आप बोलोगे तो हम इसका अच्छा खासा हार्डकोर वाटर वेडिंग जो टेस्ट है वो भी करने की कोशिश करेंगे। पर टिल नाउ आप देखो सामने की तरफ जितना भी ये जोन है ये कितना ज़्यादा ऑफ रोड है, मगर फिर भी इस ऑफ रोड जोन के अंदर गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो आपको 8 ईयर की बैटरी पे वारंटी मिलती है, जिसके अंदर आप इसको चेंज करा सकते हो। और सेम टाइम पर ना पूरी बैटरी में कभी भी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई स्पेसिफिक सेल ख़राब है तो आप सिर्फ स्पेसिफिक सेल को ही ठीक करवा सकते हो। अब प्रिज्मेटिक जो इसमें सेल आता है वो फायर प्रूफ भी आता है, तो फायर प्रूफ होने की वजह से जब भी आप इसको काम में ले रहे होते हो तो आपको उस तरीके से कोई भी जिसे कहते हैं ना फायर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो दोस्तों, जितने भी मेरे एडवेंचर मैं पूरा करना चाह रहा हूँ इस गाड़ी के साथ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको लेकर अब कहीं पर भी जा सकता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो आई ट्राई कि अगला प्लान में इसका सीधा का सीधा बनाऊँ लेह लद्दाख का। और अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो हम लेह लद्दाख भी इसको लेकर चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। सो दोस्तों, अभी तक अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाकर, और जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑफ रोड का वो तो देखो नेक्स्ट लेवल रहा। इस पूरी की पूरी रिवर बेड के अंदर गाड़ी चलाना और उसी के साथ में इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करना और सेम टाइम पर ये कन्फर्म करना कि ZACV जो है MG का वो प्रोडक्ट है जो कि इलेक्ट्रिक है, मगर ये हर जगह ऑफ रोड कैपेबल है। 180mm जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा है।
सेम टाइम पे गाड़ी की जो साइज़ है वो इतनी ज़्यादा फेवरेबल है कि कहीं से भी निकल जाता है। टॉर्क इंस्टेंट मिलने की वजह से और इलेक्ट्रिक मोटर्स का पावर अच्छा होने की वजह से आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं होता कि आपकी ऑफ रोड ऑन रोड कैपेबिलिटी कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है टिल नाउ इसका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लेकर। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ऑफ रोड एक्सपीरियंस? आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो। MGZA CV के साथ में हमने इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी इंजॉय करी और उसी के साथ में नदी में इसको पूरा का पूरा घुमाने का मज़ा बहुत नेक्स्ट लेवल था। थैंक यू सो मच MG हमको गाड़ी देने के लिए और उसका रॉ एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने पेश करने के लिए। आशा करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ के अंदर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पे आपकी गाड़ी 4x4 हो, 4x2 हो, अगर आप ऑफ रोड कर रहे हैं और ढंग से आर्टिकुलेशन करें, अपनी गाड़ी का कोर समझे, तो आप इसको लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं, स्पेशली ZA CV को लेकर तो कहीं पर भी। तो वीडियो को अब एंड करते हैं, अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर ही देना। तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अब मैं मेरी गाड़ी साफ कर लूँ क्योंकि अभी बहुत सारे एडवेंचर आप लोगों को और दिखाने हैं। बाय बाय।